पहले उसे बोलने दो, मुझे पढ़ने दो, उसको वहाँ बैठने दो। चलो कहीं घूमने चलते हैं, चलो क्रिकेट खेलते हैं। तो जैसा आपको पता ही होगा कि ऐसे सेंटेंसेस हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में बोलते ही रहते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक इन इंग्लिश वी आर अनेबल टू स्पीक। एंड इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ कैन वी ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेज इन इंग्लिश, जस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड। And before starting the video, if you haven't watched my previous videos, just go to my channel playlist and watch all the videos. And I believe you will learn many things new in all videos. So, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So, hello everyone, this is me Rehan and you are watching my YouTube channel Total English 101. And without any further, let's get started. लेट का वहाँ यूज किया जाता है जब हम किसी को परमिट करते हैं या किसी को अलाउ करते हैं किसी काम को करने के लिए। तो चलिए इसकी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूज करना है लेट का, उसके बाद में हम कोई प्लस करेंगे ऑब्जेक्ट का, देन उसके बाद में हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो चलिए जल्दी से इसके एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। सपोज अगर हमें कहना है पहले उसे बोलने दो, ओके okay? इस सेंटेंस को हम बनाएंगे फर्स्ट लेट हिम स्पीक। ओके पहले की जगह पर हमने यूज किया फर्स्ट का, देन उसके बाद में हम यूज करेंगे लेट का, उसके बाद हमने यूज किया हिम का, क्योंकि उसको कहा जाता है ही, और ही जब ऑब्जेक्ट में चेंज होता है तो वो बन जाता है हिम, और बोलने को हम कहते हैं स्पीक। तो हमारा पूरा सेंटेंस होगा फर्स्ट लेट हिम स्पीक। एक और सेंटेंस लेते हैं, मुझे पढ़ने दो। इस सेंटेंस को हम बनाएंगे लेट मी स्टडी। सबसे पहले इस सेंटेंस में हमने यूज किया लेट का, और मुझे को हम कहते हैं आई, और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो हम यहाँ पर यूज कर देंगे मी का, देन पढ़ने को बोलते हैं हम स्टडी। तो पूरा सेंटेंस होगा लेट मी स्टडी। ओके एक और सेंटेंस लेते हैं, उसे वहां बैठने दो। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, इसको आराम से बना लेंगे। इसको हम बोलेंगे लेट हर सिट देयर। Let her sit there. वीडियो अगर पसंद आई हो और आपको अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने के बाद में सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ना कुछ रोजाना पोस्ट करता ही रहता हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाओ और वहाँ पर जल्दी से जाकर फॉलो कर लो। तो चलिए अब वीडियो में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस भी सीख लेते हैं। चलो घूमने चलते हैं, चलो क्रिकेट खेलते हैं, चलो डांस करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाते हैं लेट्स की हेल्प से, और इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर में अगर हम समझें तो हम सबसे पहले यूज़ करेंगे लेट्स का, उसके बाद में हम प्लस करेंगे वर्ब का, देन उसके बाद में हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का। तो चलिए जल्दी से डायरेक्टली इसके एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं। सपोज अगर हमें कहना है चलो घूमने चलते हैं, इस सेंटेंस को हम बनाएंगे लेट्स गो फॉर अ वॉक। सबसे पहले हम यहाँ पर चलो की जगह पर हम यूज़ कर देंगे लेट्स का। जाने को बोलते हैं हम गो, तो हम गो बोल देंगे, और कहाँ जाना है वॉक के लिए जाना है तो हम फॉर अ वॉक का यूज़ कर देंगे। देन एक और सेंटेंस लेते हैं, चलो क्रिकेट खेलते हैं, इस सेंटेंस को हम बनाएंगे लेट्स प्ले क्रिकेट। लेट्स प्ले क्रिकेट। एक और सेंटेंस लेते हैं, चलो डांस करते हैं, इस सेंटेंस को हम बनाएंगे लेट्स डांस। लेट्स डांस। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। सो आई होप गाइज आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी और आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे। इसके अलावा मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। उसे जाने दो, इसको कमेंट में ज़रूर बताएं, देन आई विल गिव यू रिप्लाई ऑन एवरी मैसेज। तो चलिए अब मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, टाटा, बाय बाय, सी यू सून।